आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जो अभी जब ब्रेक हुआ था और सब अपने काम में बिजी हो गए थे, सृष्टि मेरे पास आई थी और सृष्टि के मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो जो शेयर करना चाहती है। वो कह रही थी कि प्लीज मुझे वो मौका दे दो, तो मैं चाहूंगा कि सृष्टि प्लीज मंच पर आ जाए। प्लीज जोरदार ताला हो जाए सृष्टि के लिए। ऐसे क्यों कर रही है जैसे तुमने मुझसे कुछ बात ही नहीं की, पीछे इतनी सारी बातें कर रही थी कि मेरे को एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। ठीक है, तुम नहीं बोल सकती, मैं बोलूं? लज्जा रही हो तुम, लाज आ रही है ना तुम? क्या शर्म आ रही है? हाँ दादा, मेरे को बैक स्टेज बोली थी कि क्या तुम क्या राघव को कुछ बोलना चाहती है? नहीं दादा, वही है। क्या बात कर? हाँ तो एक काम करो राघव, जरा इधर आओ। राघव जरा इधर आओ। ये क्या, ये क्या यार गया तू? अरे बैठो। अरे उनके साथ खड़े रहो, मेरे साथ क्यों खड़े भाई? दादा राघव ने तो बता दिया कि कुछ नहीं है, वो कितने बड़े फैन हैं या फिर कितनी अच्छी लगती है सृष्टि उन्हें। बैक स्टेज सृष्टि मुझे बोल रही थी कि यार एक बार एक डांस हो जाए राघव के साथ, मजा आ जाएगा। तो मेरी बाट लग जाएगी, आपको पता है कलकत्ता के लोग कैसे होते हैं, आप समझ रहे हो ना? सृष्टि तुम्हें डांस करना है, मौका मिल रहा है तो ठीक है। हंसती रहे तू, हंसती रहे खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, काली सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। पीली धूप पहन के तुम देखो भाग में मत जाना, भवर तुमको सब छेड़ेंगे, मत सीख ले।